अलवर जिले की 6 नगर पालिकाओं के हुई मतगणना के परिणामों की तस्वीर सामने आ चुकी है। परिणामों से लगभग साफ हो गया कि भाजपा और कांग्रेस कहां कहां बोर्ड बनाने में सक्षम है। हालांकि इसमें निर्दलीय विजेता पार्षद भी अहम भूमिका निभाने वाले हैं। तिजारा नगर पालिका में तो 25 वार्डों में से 19 पर निर्दलीय काबिज रहे हैं। अलवर जिले की 6 नगर पालिकाओं के परिणामों पर नजर डाले तो यहां बहरोड के 35 वार्डों में 18 पर कांग्रेस और भाजपा सिर्फ 8 पर सिमट कर रह गई है। वहीं 9 पर निर्दलीय प्रत्याशी जीते हैं, यानी यहां कांग्रेस का बोर्ड बनना तय है, जबकि यहां पहले भाजपा का बोर्ड था। वहीं तिजारा नगर पालिका के 25 वार्डों के आए चुनाव परिणामों को वहीं तिजारा नगर पालिका के 25 वार्डों के आए चुनाव परिणाम भी चौंकाने वाले रहे। यहां 25 वार्डों में से 19 पार्षद निर्दलीय जीते हैं और 3 पर भाजपा और कांग्रेस 2 पर रह गई है। वहीं 1 पार्षद कम्युनिस्ट पार्टी से भी जीता है, यहां भी पहले भाजपा का बोर्ड था। किशनगढ़ बांस नगर पालिका की अगर बात करें तो यहां 25 वार्डों में से 10 पर भाजपा, 8 पर कांग्रेस और 7 पर निर्दलीय प्रत्याशी जीते हैं। यहां दोनों ही राजनीतिक दलों ने निर्दलीय प्रत्याशियों से जोड़ तोड़ शुरू कर दी है। वहीं खैरथल नगर पालिका के 35 वार्डों के आए चुनाव परिणामों में 13 पर भाजपा, 14 पर कांग्रेस और 8 पर निर्दलीय प्रत्याशी जीते हैं। यहां भी भाजपा कांग्रेस दोनों ने बोर्ड बनाने के लिए निर्दलीय पार्षदों से संपर्क साधना शुरू कर दिया है। राजगढ़ अलवर नगर पालिका के भी 35 वार्डों के चुनाव परिणाम सामने आ चुके हैं। यहां पर भाजपा को मिली हैं 14 सीटें और कांग्रेस को 1 और निर्दलीय 20 प्रत्याशी जीते हैं। वहीं खेड़ली नगर पालिका में भाजपा का बोर्ड बनना तय है। यहां पर 25 वार्डों के आए चुनाव परिणामों में 13 पर भाजपा, 8 पर कांग्रेस और 4 पर निर्दलीय प्रत्याशी जीते हैं। जिले की 6 नगर पालिकाओं के नई वर्तमान बोर्ड की अगर बात करें तो यहां 6 में से 5 पर भाजपा का कब्जा था और 1 पर कांग्रेस का था। अब क्या समीकरण बनते हैं यह तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन अलवर शहर विधायक संजय शर्मा बताते हैं कि यहां पर इस बार भी 5 जगहों पर भाजपा बोर्ड बनाने वाली है। 6 नगर पालिकाओं में भाजपा इस बार सिर्फ खीरली में स्पष्ट बहुमत प्राप्त कर पाई है। वहीं राजगढ़ में भी बोर्ड भाजपा निर्दलियों के साथ बना सकती है। बहरोड से इस बार भाजपा की जगह कांग्रेस बहुमत के साथ बोर्ड बना रही है। वहीं तिजारा, किशनगढ़ बांस और खैरथल में निर्दलियों के हाथ में बाजी है। दोनों ही दल जोड़ तोड़ में लगे हैं।